विद्युत कर्मचारी से पहले की मारपीट, फिर मुंह पर तेजाब फेंककर हुआ फरार। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली इगलास कस्बे में स्थित शिवदान नगर निवासी जीतू तहसील इगलास के हस्तपुर बिजली घर पर लाइनमैन के पद पर तैनात है। मामला शाम 9 बजे के लगभग का है, जब जीतू कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित लकी कचौड़ी वाले की दुकान पर गया था, तो वहां मौजूद पन्ना लाल निवासी भट्टी मोहल्ला के द्वारा उससे मोहल्ले में चेकिंग कराने का आरोप लगाते हुए कहा सुनी कर दी। वहीं लाइनमैन जीतू के द्वारा कहा गया कि अब इगलास टाउन में नहीं है, उसकी ड्यूटी 6 महीने से हस्तपुर बिजली घर पर लगा दी गई थी। आज कस्बे में जो भी चेकिंग हुई है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अगर तुम्हारा कनेक्शन कट गया तो तुम बिजली का बिल जमा कर देना। लेकिन पन्ना लाल ने इतने में मारपीट कर दी, वहां मौजूद लोगों के द्वारा दोनों के बीच बचाव किया कर दिया गया। जैसे ही जीतू अपने घर की ओर आने लगा बाइक पर बैठा, तो पन्ना लाल के द्वारा शीशे में से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहीं जीतू के द्वारा आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए शिकायत की गई। वहीं कस्बा इंचार्ज प्रदीप कुमार के द्वारा पीड़ित को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेज दिया गया और आरोपी की तलाश जारी है। कैसे क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, मैं अपने घर जा रहा था, आज चेकिंग हुई थी इगलास टाउन में। इगलास में चेकिंग हुई थी, मैं तुम्हें पता है तार बिजली घर पर पोस्टेड हूँ, तो मैं आपके घर आया, घर से निकला, मैं बच्चों के लिए दवाई लेने गया हुआ था, वहाँ से लौट रहा था, मैं लौट रहा था, आज चेकिंग हुई थी इगलास टाउन में, भगत जी के मोहल्ले है ना, उसमें हुई थी, उसमें मेरा नाम आ रहा था कि तुमने करवाई है। मैं जैसे ही पहुँचा और मैंने कहा मैंने नहीं कराई, उसके बाद ही इन्होंने जो है ना क्या नाम है उसका पन्ना बोला तूने कराई है ना, ये कहा के मेरे को एसिड फेंक दिया। कितने कोई और भी लोग थे वहाँ? नहीं, पन्ना लाल थे, पन्ना लाल का छोटा भाई था, क्या नाम है उसका, कुमरपाल। क्या कोई थाने में तहरीर वगैरह भी दी है? हाँ दिए। क्या बोल रही है पुलिस? उसके लिए भेजा, क्या नाम है उसके लिए, डॉक्टर के लिए रुकती हो नहीं पा रही है हमारी। क्या नाम है आपका? क्या पोस्ट वगैरह है बिजली?